वेट 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 दिव्यंका जी रुकिए, क्या एंट्री है एकदम रॉयल एकदम। रुकिए रुकिए, वेट वेट वेट, नाइस बाइक। वेट 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 पहले सोशल मीडिया पे एक रिक्वेस्ट आई थी आपको राइड को लेके, और आज ही तस्वीर देखी मैंने, लगता है रिक्वेस्ट विवेक जी की पूरी हो चुकी है आपके साथ राइड। जी बिल्कुल, विवेक ने खुद के लिए एक बाइक ली थी एंड मैं काफ़ी समय से सीखना चाह रही थी बाइक राइडिंग, और मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मुझे सीखना है सीखना है। वन फाइन डे आई एक्चुअली टीचर ने निकाली बड़ा तो अभी तक हम लोग हर जगह एक साथ में ट्रैवल करते आए थे, तो हमने सोचा और भी ज़्यादा बेहतर होगा हम कार में ट्रैवल करते थे, बाइक में साथ साथ हम ट्रैवल किया करेंगे, एक अलग ही हम पार्टनरशिप निभा। क्या इसको लेके कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है जैसे कि बाइक राइड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ओटीडी या फिर एनीथिंग? अभी तक लोगों को कुछ कानून नहीं था इस बारे में कि मैं बाइक राइड कर सकती हूँ। I guess you have given the hint to them. Yeah, that's a hint. Pick it up. And हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा कि मैं बाइक राइडिंग से रिलेटेड कुछ कर सकूँ। Apart from that, Bigg Boss कितना follow करता है? बहुत। Bigg Boss मैंने very close to the final अगर कोई आपके प्रियंका इस दर the colors ले रही है, would you like to say something? Honestly, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक episode देखा था जिसमें संदीप से कम थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनके उस एपिसोड में उन्होंने आके जो भी टिप्पणियाँ की थी लोगों पे और जो जो सजेशंस दिए थे, देवर फैबुलस, ही वाज सो क्लासी, और उसके बाद भी जो उन्होंने लोगों पे कटाक्ष किए एकदम ही प्यार से लोगों को लाइन पे लेके आ गए वो, सो आई लव संदीप से कल इन द शो। उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है। आई एम रियली होपिंग प्रेइंग, और हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है, और मुझे मालूम है कि उनका शो हिट होगा क्योंकि संदीप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्टेंट लेके आते हैं हमेशा। इनफैक्ट हाँ, और वो ना हमेशा औरत को एक अलग लाइट में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग है और टेलीविजन पे आम करके वही रमकदमक शोज बन रहे होते हैं, लेकिन जब संदीप लिखते हैं तो कुछ अलग हटके लिखते हैं, और इसलिए मुझे उनके साथ काम करना भी पसंद है। हमें मोहब्बतें में बहुत अच्छा काम किया है इस साथ, बिल्कुल। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है जो मैंने पिछले साल ही शुरू की है, अभी उसकी डबिंग नहीं हुई है, तो एडिट डबिंग सब कुछ हो गया, आई थिंक 3-4 महीना लग जाएगा, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आप लोग मुझे इस शो में ऐसा देखेंगे जैसा पहले कभी इनका किसी भी लड़की को इंडियन टेलीविजन पे वेब सीरीज में फिल्मों में आपने नहीं देखा होगा। सो एंड वो पूरा का पूरा शो इट्स अराउंड दिस वन कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे मालूम है आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा जो भी देखेंगे, मतलब परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं ऐसा कॉन्टेंट है। फैंस के लिए कुछ लिखी आपने जी? पठान, हाँ हाँ, कैसी लगी? सो हैप्पी फॉर शाहरुख जी रिटर्न, एंड लड़के बोलते आए करण सर ने कुछ कहा, करण सर इज वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। करण मेरी बात नहीं है, आई एम वेरी श्योर फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया होगा देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू। फैंस के लिए कुछ मैसेज फैंस के लिए कुछ मैसेज जनवरी बस खत्म ही हुआ है, लेकिन कुछ बहुत देर नहीं हुई है। इस साल के लिए आप लोग कोई नए एस्पिरेशंस, नए पैशंस, जैसे कि मैंने भी बाइक राइडिंग सीख ली रातों रात और राइडर बन गई हूँ, बिकॉज आई फील हमें रोज सपने देखने चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि देर हो गई है। सो पालो, इट्स नए शॉर्ट पालो। थैंक यू सो मच।